डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, अब इसका जो प्रश्न नंबर हमारा पांचवा था, इसके दो सवाल हो चुके थे। सवाल नंबर इसका पांचवे का सी, फोर एल कोष्टक 10n-3m+2l में से पहले वही काम इसको हल करेंगे। देखिए, 10 को 4 से गुणा करेंगे, 40ln, 4 × 3 = 12ln, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8l². आप बता सकते हैं ये एल स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि एल को एल से गुणा करते हैं तो एल स्क्वायर आता है। में से का अर्थ होता है माइनस का चिन्ह। ये संख्या अलग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इस संख्या को अलग ब्रैकेट में करिए। हम 3l को l से गुणा किया, 3l² -3 × 12ln +3 × 5 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15ln। अब देखिए आपको क्या करना है, 40ln, 12ln, 8ln². यहां तक कुछ नहीं करने दिक्कत आ रही है। अब ब्रैकेट से पहले किसका चिन्ह है यहां पर? माइनस का। आपको पता होना चाहिए कि जब ये चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं सारे के सारे बदल जाते हैं। कैसे बदला? देखिए, ये माइनस प्लस का था तो ये माइनस का हो गया 3l², ये माइनस और ये माइनस, प्लस 12ln, ये माइनस ये प्लस, ये हुआ कितना? -15ln। अब क्या करना है? सबसे पहले एल स्क्वायर की संख्या लिखेंगे, 8l² 3l² माइनस के 8 प्लस के। अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये प्लस के, ये माइनस के, तो क्या हो गया? घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, घटेंगे, 8 में से 3 गए, 5l² अब एल स्क्वायर के बाद में और कोई स्क्वायर की जगह ही नहीं, अब एल एम लेंगे। देखिए, 12ln प्लस के, 12ln माइनस के, तो कट गए, जीरो हो गया। अब ln 40ln और 15 घटेंगे जुड़ेंगे, बताइए, आप बताइए, प्लस का है माइनस का, घट जाएंगे, कितना हुआ? प्लस के 25ln। अब आप ये बताइए यहाँ पर देख के कि यहाँ पर 25ln ही क्यों बचे, बताइए, सोचिए एक मिनट के लिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं सोचने के लिए भी, बता सकते हैं? क्योंकि ये 40 प्लस के थे, ये 15 माइनस के थे, दोनों घट गए तो क्या बच गया? 25ln। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं, डी, बड़ा सिंपल है, 4c कोष्टक -a+b+c में से 3a कोष्टक a+b+c -2b कोष्टक a-b+c को घटाइए। बिल्कुल सिंपल, पहले इसको हल करते देखिए, -4ac +4bc +4c² में से काट हुआ माइनस और इसको अलग, ब्रैकेट शुरू, 3a को a से गुणा किया, 3a² प्लस के 3ab 3ac
अब माइनस दो ए बी प्लस दो बी स्क्वायर माइनस दो बी सी ब्रैकेट। अब यहां समझने की बात जो आ रही है वो ये आ रही है, यहां प्लस क्यों हुआ? देखिए माइनस को प्लस से किया माइनस, माइनस को माइनस से करते हैं प्लस, माइनस को फिर माइनस, यहां करते आगे किसी भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, यहां आपको परेशानी आती है बड़े ब्रैकेट छोटे में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस फोर ए सी प्लस फोर बी सी प्लस फोर सी स्क्वायर। अब आगे देखिए ब्रैकेट बंद हो गया माइनस, यहां पर हम देखेंगे तीन ए स्क्वायर तीन ए बी ए दो ए बी ए रे, अब ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे घटेंगे प्लस का ए बी बचेगा, क्यों बचा क्यों बचा? समझने की बात है क्यों बचा, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं इसलिए घट जाएंगे, प्लस का ए बी बचा। ये तीन ए सी ये दो बी सी, ए सी कहीं है ही नहीं तो लिख दीजिएगा प्लस के तीन ए सी माइनस के दो। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ संख्या कितनी हो गई, दो और दो चार, गड़बड़ हुई बिल्कुल गड़बड़ है। देखिए क्योंकि दो तो मिला एक गड़बड़ है ना, कौन सी गई टू बी स्क्वायर, इसको यहां लिख दीजिएगा प्लस के टू बी स्क्वायर, ये समझने की बात है। अब अगले स्टेप देखिए कैसे करते हैं, फिर इसको खोलते हैं आपकी सुविधा के लिए, यहां पर हम इसको खोलेंगे सवाल को, तो क्या होगा माइनस फोर ए सी प्लस फोर बी सी प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस तीन ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस तीन ए सी प्लस दो बी सी माइनस दो बी स्क्वायर। यहां समझने की बात थी क्या कि बाहर माइनस का चिन्ह था इसलिए अंदर के जो चिन्ह थे वो सारे के सारे बदल गए। अब क्यों बदला क्या हुआ अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले ए स्क्वायर की संख्या लिखेंगे, यहां पर कितना है माइनस तीन ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस दो बी स्क्वायर, उसके बाद ए बी, ए बी की संख्या देखिए क्या है यहां पर माइनस का ए बी। अब बी सी की बात कर लो, चार ये रहा दो ये रहा कितने हो गए छह बी सी, ए सी बताइए सात, देख गिनिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ संख्या रह गई हमारी कितनी, इसका मतलब दो संख्याएं जुड़ी, कौन कौन सी जुड़ी थी एक बी सी वाली जुड़ी थी एक कौन सी बी सी वाली जुड़ी थी, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। इस प्रकार से यह सवाल भी हमारा समाप्त होता है।